ये है दुनिया की मार्बल सिटी अशगाबाद। सोवियत संघ का हिस्सा रहे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद ऐसा ही एक शहर है जो दुनिया की मार्बल सिटी के तौर पर फेमस है। दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद संगमरमर की इमारतें इसी शहर में हैं। अपनी इसी खूबी के चलते अशगाबाद शहर को 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वर्ष 2017 में होने वाले 5वें एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स की मेजबानी करने का मौका भी अब तुर्कमेनिस्तान को मिला है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद यानी इस सफेद मार्बल सिटी में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहली बार 62 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। जिसमें 45 एशियाई और 17 प्रशांत महासागरीय देश हैं। खेलों में अब 500 से भी कम दिनों का समय बाकी बचा है। ऐसे में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दिमुहामेदोव ने कुछ घुड़सवारों को मशाल और झंडा देकर काउंटडाउन शुरू किया। इस मौके पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख अहमद अल फहद अल सभा भी मौजूद थे। गेम विल हेल्प टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ तुर्कमेनिस्तान कैपिटल प्रमोटिंग अ हेल्थ लाइफस्टाइल अमंग द नेशन अट्रैक्टिंग यंग पीपल टू द स्पोर्ट। इट्स एक्सपेक्टेड दैट This game will record in many aspects and its legacy is highly important for Turkmenistan. तुर्कमेनिस्तान में 5वें एशियाई इंडोर एंड मार्शल आर्ट खेलों से पहले काउंटडाउन के लिए समारोह का आयोजन अशगाबाद से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक प्राचीन शहर ओल्ड निसा में रखा गया। यहाँ मिट्टी के पहाड़ों पर चारों ओर मशालें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। 5वें एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स के काउंटडाउन के लिए जो समारोह रखा है वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर रखा गया। इसे कहते हैं ओल्ड निसा। क्या है ये ओल्ड निसा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत डॉक्टर TV नागेंद्र प्रसाद। सर, क्या है ये ओल्ड निसा? नहीं, ये तो हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ एक्सकवेशंस वर फाउंड एंड देन नो द इट बिलोंग टू 3rd century BC एंड इट इज बेसिकली पार्थियन किंगडम। सो इट हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड तुर्कमेनिस्तान डिसाइडेड एंड चूज दिस प्लेस टू स्टार्ट द काउंटडाउन फॉर 500 डेज ऑफ काउंटडाउन टू द एशियन गेम्स, 5th एशियन indoor and indoor games which are to be held in 2017 in Ashgabat. एक्चुअली में क्या है, बेहद खूबसूरत किला दिखाई दे रहा है, क्या है इसकी इतिहास? ये यहाँ ऐसे ही नो एक किंगडम था एंड देन किंगडम का दे हैव फाउंड एक्सकवेशंस में हाउ दे वर मेकिंग फोर्ट्स एंड देन दे फाउंड इन देन एक्सकवेशन सम टेराकोटा आइडल्स ऑफ नो द टेराकोटा किंग्स एंड देन नो द पॉटरी एट्सेट्रा विच रियली डेट्स बैक टू द हिस्ट्री। इसी जगह का चुनाव अगर कहा जाए तो क्यों किया गया? ये तुर्कमेनिस्तान में ये मारी करके एक जगह है
वो एंशियंट सिल्क रूट पे वो कल्चरल सेंटर रहा एंड देन कैरावान्स जाते थे वहाँ से, और ये दूसरी जगह है अशकाबाद के नज़दीक में, इसीलिए आई थिंक नो तुर्कमेनिस्तान ने इसको चूज़ किया है टू स्टार्ट देयर काउंटडाउन। सर तकरीबन 21 खेलों का आयोजन होगा इन गेम्स के दौरान में, अगर बात की जाए तो भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच खेलों को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? अभी जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उस टाइम में बहुत सारे हम कोऑपरेशन के अग्रीमेंट साइन किए थे, उसमें एक स्पोर्ट्स का कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी एक है, तो इसीलिए हमारे दोनों देशों के बीच में स्पोर्ट्स का कोऑपरेशन का अग्रीमेंट है, उसके तहत नो तुर्कमेन स्पोर्ट्समैन इंडिया अक्सर विजिट करते रहते हैं और इंडिया से भी यहाँ आके पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो पांचवी एशियन गेम्स जो होने वाले हैं ये और हमारे संबंधों को और दृढ़ कर देगा। खेलों से पूर्व तुर्कमेनिस्तान मेजबानी की तैयारियों में जुट गया है, जिसकी झलकियां अशखाबाद में दिखाई देती हैं। पांचवें एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने एक टॉर्च देकर इस काउंटडाउन को शुरू किया। अब कुछ घुड़सवार देश भर में यानी तुर्कमेनिस्तान के पांचों प्रांतों में घूमेंगे अगले 100 दिनों तक। वर्ष 2017 में होने वाले पांचवें एशियाई इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स के दौरान कुल 21 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से हैं ये 21 खेल, आइए नजर डालते हैं। शतरंज, फुटसल, टेनिस, मैथाई, सांबो, कुराश, जिउजित्सु, बाउलिंग, साइकिलिंग, तैराकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, खेल नृत्य, किकबॉक्सिंग, बेल्ट रेसलिंग, ग्रीको रोमन कुश्ती, बिलियर्ड, अश्वारोही बाधा दौड़, तुर्कमेन राष्ट्रीय कुश्ती। पांचवें एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट खेलों की तैयारी में तुर्कमेनिस्तान अभी से जुट गया है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान अपनी पूरी तैयारियों में जुटा है और इसके बीच में जगह जगह पर जो है रहने की जगह बनाई गई है। इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर मोनोरेल होकर गुजरेगी जो खिलाड़ियों को अपने गंतव्य स्थलों पर पहुंचाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर तकरीबन 62 देश पहुँचेंगे 2017 के अंदर और 21 खेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। इसी तरह जिस तरह ये होटल में मैं खड़ा हूँ जहाँ VIP लोग रुकेंगे, इसके अलावा स्टेडियम के पीछे की तरफ भी एक होटल तैयार किया गया है जिसमें तकरीबन 800 पत्रकारों को रखा जाएगा। यानी कि इस बड़े आयोजन के लिए तुर्कमेनिस्तान अपनी पूरी तैयारी में जुटा है और तकरीबन 500 दिनों का समय बाकी बचा है। एक सोच जिसे जमीनी हकीकत पर देखा जा सकता है, पांचवें एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम के लिए तैयार
भवनों के रूप में। अशकाबाद में खेल गांव तैयार किया गया है जिसमें बहुत से स्टेडियम बनाए गए हैं। इस खेल गांव में करीब 30 इमारतें देखी जा सकती हैं। कैसे बने हैं ये स्टेडियम, आइए नजर डालते हैं। इस मल्टीफंक्शनल एरिना इंडोर स्टेडियम के अंदर बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, वॉलीबॉल और कई तरह के खेल खेले जाएंगे जो काफी ही रोचक होने वाले हैं 2017 के अंदर। रंग बिरंगी कुर्सियां यहां पर हैं, जहां भी नजर उठाओ तो बहुत सुंदर सा नजारा देखने को मिलता है। अशकाबाद में यहाँ पर इंडोर स्टेडियम तैयार किया गया है जिसकी क्षमता तकरीबन 50,000 की बताई जा रही है, यानी कि 50,000 दर्शक एक साथ इस स्टेडियम में बैठकर खेलों का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर एक खासियत यह है कि यहाँ पर फर्श भी चेंज किया जा सकता है, 10 तरह के फर्श यहाँ पर चेंज किए जा सकते हैं। तो यानी कि तुर्कमेनिस्तान का ये जो स्टेडियम है काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि जिसमें 50,000 दर्शक एक साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सकेंगे। मल्टीफंक्शनल एरिना इंडोर स्टेडियम के नज़दीक ही एक और स्टेडियम बनाया गया है। इस स्टेडियम के अंदर साइकिलिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से इस इंडोर स्टेडियम को बनाया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में एक साथ साइकिलों का मुकाबला हो सकेगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद का ये वो ओलंपिक होटल है जिसमें तकरीबन 450 वीआईपी लोग रुकेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही सजावट की गई है, चाहे बाहर की बात की जाए या होटल के अंदर की बात की जाए, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ अगर बात की जाए तो बागीचे के अंदर बहुत से फूल देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के फूलों को लगाया गया है, जब वीआईपी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। खेलों के बाद अब बात करते हैं अशकाबाद में मशहूर तुर्कमेन कारपेट म्यूजियम की। इसे अशकाबाद में 24 अक्टूबर 1994 को खोला गया था। तुर्कमेन खारसनं birnäçe bölümler va bölümlerden var. In this museum includes a lot of ancient carpets, also modern carpets. It includes our museum consists of two floors. All these two floors they have we have five parts where the all exponents of carpets include in these two floors, and also in our museum situated two biggest carpets in the world, which was included to Rekha Genius book. The first carpet was suited in 1941 between 1942.
39 women who suited these carpets in 7 months. इस कालीन संग्रहालय में कालीनों का एक बड़ा संग्रह है। तुर्कमेनिस्तान के इस म्यूजियम में दस्तकारी के अद्भुत नमूने देखे जा सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े कालीन दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की गई है, कालीन के जरिए ही इसको बनाया गया है। अंदर भी कुछ इसी तरह का लुक दिया गया है ताकि लोग आकर्षित हो सकें और इनके बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करें। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे योगा केंद्र। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो 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 किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते रहे हैं योगा केंद्र की। जी हाँ, एक योगा केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2015 को किया, लेकिन उसके बाहर एक गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये वही मूर्ति है मेरे पीछे, जो आप ये योगा केंद्र देख रहे हैं, ये वही योगा केंद्र है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल यानी कि 12 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन किया था। मेरे कैमरामैन आनंद प्रकाश वे विजुअल आपको दिखा सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसे बनाया गया है और बेहद खूबसूरत तरीके से इसको सजाया भी गया है चारों तरफ से। जुलाई 2015 में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशगाबाद में एक पारंपरिक चिकित्सा और योग केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मानव जाति आज दो बड़ी समस्याओं, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है, जिसका समाधान महात्मा गांधी के जीवन और विचारों में पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि योग केंद्र और महात्मा गांधी की प्रतिमा से मध्य एशिया में सकारात्मक संदेश फैलेगा। दिसंबर 2015 में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी इस योग केंद्र का दौरा किया था, जहां उन्हें तुर्कमेनिस्तान के लोगों से हिंदी में गीत सुनने को मिले। कैसा चल रहा है ये योगा केंद्र, आइए चलते हैं। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो इस योग केंद्र में काफी संख्या में लोग योगा करते दिखाई दिए। कैसा चल रहा है ये योगा केंद्र, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद। सर सर किस तरह का चल रहा है ये योगा केंद्र? ये अब जैसे बोले हैं प्रधानमंत्री जी, इसको उसका उद्घाटन जुलाई 12, 2015 को किया था, एंड बिगिनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, पर बाद में विथआउट एनी कैनवासिंग पीपल स्टार्टेड कमिंग, एंड एज वी स्टैंड टूडे there are about 1500 people who have registered for the yoga course and 800 are regularly practicing.
Most of them are, you know, women and then elderly persons and then office going persons. And here we have two yoga teachers sponsored by Indian Council of Cultural Relations, Ministry of External Affairs. And they teach about 7 sessions a day here, and the hall is full in all the sessions. Besides this, we also are doing a yoga therapy course at State Medical University, and a couple of times in a week the yoga teachers also go to the Niyazova Hospital to train them in yoga, both patients and doctors also. So basically, after opening up the yoga center, this is basically, you know, the cornerstone of our cultural relations. This is new to Ashgabat, new to Turkmenistan, but the tremendous response we got has encouraged us to continue the yoga centers functioning in this, in similar way. Now we are thinking of extending the timings to accommodate everyone. There are registrations, about 100 to 150 registrations every month. Now we are restricting because of the hall's capacity, because of the limitations of the yoga teacher. The last year in June, with the participation of His Excellency Prime Minister of India in his personal, with his personal participation at the Bhatia Sports Complex, we have inaugurated yoga center. We are much more thankful to our esteemed President of Turkmenistan and to the esteemed Prime Minister of the Republic of India for helping and for the initiative to set up, to establish yoga center at our Bhatia Complex in Ashgabat. ICCR के सहयोग से यहां 2 योगा शिक्षकों को तैनात किया गया है जो यहां के लोगों को योग सिखा रहे हैं। मैं 15 साल से मैं योगा टीचर काम कर रहा हूं। इंडिया में जब मैं शुरू किया, मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया योगा में, लोगों को सिखा के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ गया। मैं वहां से ICCR में अप्लाई करके तुर्कमेनिस्तान आया हूँ पिछले साल 2015 में। जब यहाँ आने से पहले तुर्कमेनिस्तान मुझे पता नहीं था कहाँ पे हो। सो जब मैंने यहाँ पोस्टिंग में आर्डर आया, तब मुझे पता चला कि तुर्कमेनिस्तान लोगों को मैंने नेट में कुछ पढ़ाया। मुझे अच्छा लगा कि ये प्लेस रशियन रूल किया, इंडियन कल्चर इज़ मे वेरी मच वेलकम्ड हीयर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करने का। जब मैंने यहाँ आया था, लोग काफ़ी कम था, क्योंकि उसका वेकेशन चल रहा है यहाँ पे। हमने थोड़ा इधर उधर हो गया, क्या सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं, थोड़ा हम डायलमो में था। जब वो वेकेशन हो गया, तब हम क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ गया, इतना लोग आ गया। हम यहाँ सेंटर में काम करने 2 टीचर को बहुत मुश्किल हुआ था। देन वी फाउंड दैट हाउ टू मैनेज दिस क्राउड इन द इनिशियल डेज। जब हमको बहुत आइडियाज़ इधर उधर करके, देन हम एक पक्का प्लान करके, अभी क्लासेस चल रहे हैं, बहुत अच्छा क्लासेस चल रहा है यहाँ पे। हम एक दिन 7 सेशंस लेते हैं, अभी एक सेशन 1 घंटे का लेते हैं, तब भी हम क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अभी डेज को भी इंक्रीज करना चाहता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं हम। अभी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मोर देन 1700 पीपल हैव कम रजिस्टर्ड एंड आर डूइंग योगा रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस। Now we stopped registrations also for 1 month, 2 months to control the crowd. They were unhappy when we stopped, but because of security reasons and hall space, we stopped the registrations too. So we are really happy and we are enjoying the success more and more. Hope this will continue forever and ever. इस केंद्र पर हमने 7-8 साल के बच्चों से लेकर 85 साल तक के बुजुर्गों को योग करते हुए पाया, जिनके अनुभव कुछ यूं थे। मैं और मेरी
क्षमता। मैं 11 साल की हूँ। मैं जनवरी 2016 से योग सीखने आ रही हूँ। योग से मेरे शरीर को लाभ मिला है। मैं योगा को बहुत पसंद करती हूँ। Мен йоган ранговорян. Да я не ходила, когда я узнала, что к нам в Ашхабад. जनवरी 2016 से योग कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे शरीर में बहुत सी समस्याएं थी। मैं रात को सो भी नहीं पाती थी और शरीर में दर्द रहता था, लेकिन कुछ महीने से योग करने के बाद अब मैं चैन से सो पाती हूँ और शरीर में दर्द भी नहीं है। полгода 6 месяцев я стала себя чувствовать очень хорошо. I have been used to come to this center since 6 months and I am the cardiologist doctor by profession and this yoga has a good impact on my health and it increased my flexibility. And this I have to tell all the good things about yoga because this is having huge impact on my health and also it is now my mood has improved and my health has improved and I can recommend this center to other people also. तुर्कमेनिस्तान में इस योग केंद्र को काफी लोकप्रियता मिली है, जिसकी वजह से यहाँ योग सीखने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका श्रेय यहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। I've been attending yoga classes since August. First of all, I would like to thank the governments of both our countries, of Turkmenistan, of India, and His Excellency Prime Minister of India, Narendra Modi, for giving us an excellent opportunity to attend these yoga classes. Hundreds of people are coming to these sessions every time, and I really enjoy coming to yoga sessions with my friends and my family members. So yoga sessions are conducted very interestingly, so we can learn about not only about yoga but more about Indian culture, and it's really interesting for most people in our country. The yoga center in Ashgabat was inaugurated last summer in June during His Excellency Indian Prime Minister Narendra Modi's visit to Ashgabat. And in that regard, I would like just thank him personally, Indian government and the government of Turkmenistan for implementing this project, the yoga center inauguration project. Say, relationship between the Turkmenistan and India are expanding and growing, and this is the inauguration of a yoga center in Ashgabat is a vivid example of that cooperation. तुर्कमेनिस्तान से आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी आनंद प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।